गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी चैप्टर में फियर ऑफ मिसिंग आउट और प्रीमियम एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है। यूजुअली ये चीज़ सुबह जब भी मार्केट खुलता है 9:15 to 9:30 उसी बीच में प्रीमियम की काफ़ी एडजस्टमेंट होती है और उसी एडजस्टमेंट के टाइम पे प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आते हैं और वो स्पाइक्स देख के आपको वो फोमो डेवलप होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप एंटर करते हो, ट्रैप हो जाते हो। स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट या एंड ऑफ द मार्केट प्रीमियम में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट होती है, तो एडजस्टमेंट के टाइम पे प्रीमियम में काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहता है, बट यहाँ पे एंट्री करना गैम्बलिंग से कम नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी देखो मार्केट यहाँ पे लाइव चल रहा है और मार्केट में आप देख सकते हो कल मार्केट बंद हुआ था 44,285 पे। आज सुबह थोड़ा एक चैनल था, चैनल का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर ओपन हुआ, बट ऊपर होने के प्रीमियम्स कैसे एडजस्ट हुए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 44,400 का प्रीमियम मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 44,400 का सी निकाला है और आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट आज जैसे ही ओपन हुआ सुबह मॉर्निंग में एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आ गया मार्केट में। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे 29 डेट्स में। देखो आप ये दो रेड कैंडल देख सकते हो यहाँ पे, ये जो दो रेड कैंडल 9:15 को फर्स्ट रेड कैंडल और सेकेंड रेड कैंडल, जैसे ये दो रेड कैंडल आए प्रीमियम ऑलमोस्ट 800 से कहाँ तक चला गया, प्रीमियम ऑलमोस्ट 800 से 700 तक चला गया और ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो अगर कोई न्यू कमर है ये मूवमेंट देख के मार्केट में वो एंट्री करेगा क्योंकि इतनी अच्छी मूवमेंट है, सोचेगा 30 पॉइंट मिल जाए, एंट्री करेगा। और उसके बाद देखो उसके बाद भी जो थर्ड कैंडल बना है छोटा ग्रीन, कुछ भी साइंस नहीं है, ना बुलिश एंगल्फिंग है ना कुछ है, यहाँ पे भी वीकनेस ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे यूजुअली क्या करते हैं लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करते हैं और उसके बाद देखो प्रीमियम जैसे भागा है ऑलमोस्ट अभी 900 रुपये पे जाके टच हुआ है, यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। अभी दूसरा प्रीमियम मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो डाउन स्पाइक आ रहा है दूसरा प्रीमियम। यहाँ पे आप देख सकते हो पुट साइड का प्रीमियम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ मैं 29 का। देखो यहाँ पे 29, अभी यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ये 29 का 9:25 ये देखो 9:15 का कैंडल, कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है। इसमें काफ़ी कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट नीचे ही डायरेक्शन में जाने वाला है। और वही आप सी में देखो सी में गिरा कितना, यहाँ पे दो कैंडल देखो, ये वाले दो कैंडल्स यहाँ पे बहुत छोटे कैंडल्स, मतलब अगर देखा जाए तो दोनों में सुबह अच्छा खासा प्रीमियम डीके करवाया उन्होंने और उसके बाद मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ गया। तो यूजुअली क्या होता है जब भी आप सुबह मार्केट ओपन करते हो 9:15 to almost 10:25, 10:30 तक आराम से आप एंटर मत कीजिए, अगर करना ही है तो छोटी क्वांटिटी में कीजिए। बहुत ही कम ऐसे दिन होते हैं जिसका ट्रेंड सुबह मॉर्निंग से चालू होता है, नहीं तो यूजुअली 10:20, 10:30 के बाद मार्केट में मोमेंट चालू। दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो प्रीमियम का स्पाइक आप देखो, मार्केट अभी कॉल साइड पे है, मैंने कॉल साइड का ही निकाला है, जैसे ही ओपन हुआ हाई 9:35 का लगाया, सीधा 200 पॉइंट नीचे 760 पे, मतलब ये 200 पॉइंट ये देखो हाई 9:35 का लगाया, उसके बाद लोवेस्ट लगाया 760 का। तो इसी में होता है 200 पॉइंट नीचे चला गया तो एक न्यू कमर बिगिनर को लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, डाउन ट्रेंड में है और वो यहाँ पे एंट्री लेता है और ट्रैप हो जाता है। ये प्रीमियम एडजस्टमेंट्स के वीडियो में और एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे एडजस्टमेंट होते हैं, बट सुबह मॉर्निंग में फ्राइडे के दिन पे, वेनेसडे के दिन पे आपको ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्रीमियम एडजस्टमेंट्स प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।